जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर है और आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बेसिकली हमारे पास लिविथ कॉन्सेप्ट जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि एटम्स बॉन्ड किस तरह से बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं वो पुराना हो चुका था। मतलब उसमें कुछ लिमिटेशंस थी उसकी, वो कुछ जगह पे अप्लाई हो रहा था कुछ जगह पे अप्लाई नहीं हो रहा था। इसका क्या मतलब है? इसका भी मतलब है कि लिविस का कॉन्सेप्ट जो था वो हमें ये तो बता रहा था कि हमारे पास कोई एटम दूसरे एटम के करीब आता है और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, लेकिन वो हमें इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था कि हमारे पास जो उसके बाद मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल है ट्राइकोनल है बेंट है एंगुलर है पायरामिडल है कैसी है। वो मैं नहीं बता सकता था कि हमारे पास मॉलिक्यूल की शेप कैसे होती है। तो बेसिकली वेस्पर थ्योरी जो है जिसका पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये हमारे पास हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या थी और मॉलिक्यूल्स की जो शेप है वो कैसे बनती है और क्यों बनती है। तो इसके बारे में हमें बताती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो थ्योरी थी ये हमें दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था सिजविक और दूसरे का नाम था हमारे पास पावर। इन दो साइंटिस्ट ने 1940 के अंदर हमें ये थ्योरी दी थी और इन्होंने मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। वो बाद में नाइल होम और गिलिप्सी ने इसको एक्सप्लेन किया और ज़्यादा अच्छे से, जो उन्होंने एडवांस अप्रोच क्वांटम अप्रोच अप्लाई करके इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब वेस्पर थ्योरी को हम समझ सकते हैं बड़े आसान तरीके से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो कि वेस्पर थ्योरी में जिक्र होगा जिसका उसको समझना ज़रूरी है। देखिए हमारे पास कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं शेयरिंग, और शेयरिंग के रिजल्ट में हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक बॉन्ड है और बॉन्ड है फॉर एग्जाम्पल HCl का। ये HCl का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन से, ये एक दूसरे के करीब आते हैं और ये आपस में शेयरिंग करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं, और ये हमारे पास है एक बॉन्ड। मतलब अगर हम किसी भी बॉन्ड की बात करते हैं तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इन दो इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बेसिकली जो हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या वेस्पर थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बेस पे ही डिसाइड करती है कि हमारे पास किसी भी चीज़ की ज्योमेट्री क्या होगी, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। अब ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से आया और उसके अब क्या मतलब है हमारा। बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करते हैं तो इसकी भी आगे दो टाइप हैं। एक को हम बोल देते हैं बॉन्ड पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का वो पेयर जो कि बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहा है, और एक को हम बोल देते हैं लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का वो पेयर जो कि बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा। अब इसकी एग्जांपल बॉन्ड पेयर की तो यही है कि ये दो इलेक्ट्रॉन है एक पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का। अब इसको हम बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बॉन्ड बना रहा है या बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहा है। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमें लोन पेयर भी क्लियर हो जाएगा बॉन्ड पेयर भी क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है हमारे पास अमोनिया की। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। ये अमोनिया का फार्मूला है और नाइट्रोजन के ऊपर ये दो इलेक्ट्रॉन्स को हम हमेशा शो करते हैं। अब ये जो हमारे पास है ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ठीक है ये इलेक्ट्रॉन पेयर ही, लेकिन कौन से वाला, लोन पेयर, क्योंकि ये बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा उसे हम बोल देते हैं लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर कहाँ है फिर, ये जो बॉन्ड हमारे पास बना है ये दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से आया और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से आया। तो ये जो हमारे पास पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का इसे फिर हम क्या बोलते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज अ बॉन्ड पेयर। अब ये भी बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी बॉन्ड पेयर है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स का जिक्र होगा वेस्पर थ्योरी में, उनकी दो टाइप्स हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर वो जो कि बॉन्ड बना लें और लोन पेयर वो जो कि बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ना लें। तो इसी को हमने डिस्कस करना है और इसी पे हमारा जो बेसिक अजम्पशन है वेस्पर थ्योरी का वो बेस करता है। तो बेसिक अजम्पशन क्या है हमारे पास वेस्पर थ्योरी का, उसको देख लेते हैं। तो बेसिक अजम्पशन हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या फिर लोन पेयर हो, वो
वो हमेशा ये चाहेंगे कि उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो, मतलब कम से कम हो। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन मतलब सेम चार्जेस, तो सेम चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स कभी भी नहीं स्टेबल हो सकते अगर उनके दरमियान रिपल्शन होगी, ठीक है। तो मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डेफिनेटली हैं, उनको एक थोड़े डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा ताकि उनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो सके। अब इसको ही हमारे पास बेसिक अजम्पशन में वो बयान करता है कि जो हमारे पास जितने भी बॉन्ड पेयर्स हैं या फिर लोन पेयर्स हैं, वो हमेशा एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना पसंद करेंगे। तो मतलब हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, ज़्यादा। डेफिनेटली जब दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, तो फिर डेफिनेटली हमारे पास उनके दरमियान मिनिमम हो जाएगी, क्या मिनिमम हो जाएगी, रिपल्शन। तो मतलब हमारे पास वो मिनिमम रिपल्शन को शो करेंगे। तो बेसिक अजम्पशन वेस्पर की यही कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, चाहे वो लोन पेयर हों या फिर बॉन्ड पेयर हों, वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो और उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम से मिनिमम की जा सके। जब हमारे पास उनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, तो मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल्स की कोई डेफिनेट ज्योमेट्री होगी जो कि स्टेबल होगी, जिसमें बार बार चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये तो हमारे पास थी वेस्पर थ्योरी और उसकी बेसिक अजम्पशन। अब हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स हैं, बहुत दफ़ा बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुका है। कोई भी बोर्ड देख लें, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, सारे बोर्ड्स के अंदर ये हॉट एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन समझा जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। दैट आर द पास्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। यहाँ तक बात क्लियर है? सिजविक और पावर ने हमें थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं दो तरह के, बॉन्ड पेयर और लॉन्ग पेयर। बॉन्ड पेयर वो जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले लें और लॉन्ग पेयर वो जो कि बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ना लें। बेसिक अजम्पशन ये है कि हमारे पास जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलके, ये हमारे पास हमेशा इस तरह से अरेंज होंगे कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। और ये क्यों किया जाता है डिस्टेंस मैक्सिमम, ताकि इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम से मिनिमम रखी जा सके, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम ये देखते हैं कि पास्टुलेट्स हमारे पास क्या हैं वेस्पर थ्योरी के। पहला पास्टुलेट जो हमारे पास है वो ये है कि वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि लोन पेयर हो या हमारे पास बॉन्ड पेयर हो, दोनों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी वो मॉलिक्यूल की क्या होगी। तो पहला पास्टुलेट ये है कि बोथ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। और आपको पता है कि आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को अगर इकट्ठा लिखना चाहें तो आप इनको इलेक्ट्रॉन पेयर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी स्टार्ट में कि इलेक्ट्रॉन पेयर की दो टाइप्स हैं, वन इज बॉन्ड पेयर एंड अदर इज लोन पेयर। तो हमारे पास एक तो बात यह है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही डिसाइड करेंगे कि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप क्या होगी। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है ये कहाँ पे होंगे, ये किसी भी एक सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अरेंज होंगे। जो वेस्पर थ्योरी के दोनों पॉइंट्स पहले हैं वो एक जैसे ही हैं, मतलब एक ही बात है उनके अंदर कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिलके इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन पेयर जिन्हें हम कहते हैं वही डिसाइड करेंगे कि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज लोन पेयर आर मोर डिफ्यूज देन बॉन्ड पेयर, कि लोन पेयर जो हमारे पास होते हैं वो ज़्यादा डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज मतलब कि वो ज़्यादा हमारे पास फैलाव रखते हैं, वो ज़्यादा फैले हुए होते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। अब अगर मैं इसके आगे ये एक सवाल ये निशान लगा दूँ तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोन पेयर्स आर मोर डिफ्यूज देन द बॉन्ड पेयर्स एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि लोन पेयर्स आर मोर डिफ्यूज देन द बॉन्ड पेयर्स। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए मेरी बात सुने, सिंपल दो एग्जांपल लेते हैं हमें क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अमोनिया की। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है। अब अमोनिया के मॉलिक्यूल में हमारे पास दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब क्या ये लोन पेयर भी और दूसरा हमारे पास ये क्या था बॉन्ड पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो के बॉन्ड बना रहा है।
अब अगर हम बात करते हैं बॉन्ड पेयर की, तो ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखें, इस तरफ हमारे पास होगा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और दूसरी तरफ हमारे पास होगा नाइट्रोजन का न्यूक्लियस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स दो हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ये असल में दो न्यूक्लियस के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब इधर से इसका न्यूक्लियस इसके ऊपर अट्रैक्शन लगा रहा है और इधर से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इसके ऊपर अट्रैक्शन लगा रहा है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा हिलजुल नहीं सकते, तो अपनी जगह पे ही रहते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं, तो ज़्यादा डिफ्यूज़ ये नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें लोन पेयर की, तो ये तो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस एक तरफ है लेकिन दूसरी तरफ कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि इसने बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया। तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर जो है इट इज अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस, और बॉन्ड पेयर जो है इनको दोनों तरफ से अट्रैक्शन मिल रही है। तो यही वजह है कि क्योंकि लोन पेयर एक न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ से उसके ऊपर कोई भी फोर्सेस नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज मोर डिफ्यूज एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। सिंपल एग्जांपल ये समझ लें कि हमारे पेरेंट्स, वालदा और हमारे अबू, अगर दोनों डांट रहे होंगे तो प्रेशर ज़्यादा होता है, बच्चा डर के रहता है और ज़्यादा शरारतें नहीं करता, डिफ्यूज़ नहीं होता। लेकिन एज कम्पेयर टू लोन पेयर, अगर सिर्फ अम्मी ने हाथ फ्री हैंड दिया हुआ है और अबू से सिर्फ डर लगता है, तो अम्मी के होते तो फिर भरपूर शरारतें होंगी, ठीक है, लेकिन जब अबू आ जाएंगे तो फिर हमारे पास शरारत करने का कोई भी चांस नहीं होगा। तो लोन पेयर आर मोर डिफ्यूज देन द बॉन्ड पेयर, एक्सप्लेन, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़ी डिटेल के अंदर कंसाइज आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है कि लोन पेयर ज्यादा डिफ्यूज क्यों होते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। अच्छा, अगर कोई चीज़ ज्यादा डिफ्यूज है तो इसका मतलब है कि उसकी रिपल्शन भी ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा फैले हुए हैं, तो मतलब ये ज्यादा फोर्सेस एग्जर्ट करेंगे किसी भी दूसरे आप कहने के इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। तो इसी की बेस पे अगर हम देखें कि दो लोन पेयर को मैं शरारती बच्चा कहता हूँ और बॉन्ड पेयर को मैं कहता हूँ ये बड़ा सुलझा हुआ और शरीफ सा बच्चा है, अगर एक मैदान के अंदर दोनों शरारती बच्चे खेल रहे होंगे तो उनके दरमियान लड़ाई तो होगी, ठीक है। तो लोन पेयर और लोन पेयर क्योंकि इनका साइज ज्यादा है, दे आर मोर डिफ्यूज, दे आर मोर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, तो इनकी आपस में जंग जरा तेज हो जाती है, दैट्स वाई द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आर ग्रेटर देन एज इन लोन पेयर एंड लोन पेयर। मतलब अगर दो लोन पेयर हमारे पास होंगे तो उनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो रिपल्शन की ज्यादा होंगी, ग्रेटर होंगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, एक बच्चा शरारती है और एक शरीफ है, तो उनके दरमियान लड़ाई तो होगी लेकिन उस लेवल की नहीं होगी, उस लेवल की रिपल्शन नहीं होगी। ये पंगा लेना नहीं चाहेगा और ये जानबूझ के पंगे लेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही पंगे ले रहे थे, तो यहाँ पे दोनों पंगे लेने वाले हैं तो रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ पे एक पंगा लेने वाला है और एक शरीफ है, तो रिपल्शन क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की, तो अगर दो बॉन्ड पेयर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उनके दरमियान जो रिपल्शन होती है वो सबसे कम होती है, दोनों ही शरीफ है, पंगे ही नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो मतलब अगर हम ऑर्डर देखें रिपल्शन का, तो अगर दो लोन पेयर एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो रिपल्शन मैक्सिमम होगी, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर और उसके बाद बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो बेसिकली दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट के अंदर तीन चीजें आती हैं, लोन पेयर ज्यादा डिफ्यूज्ड है, न्यूक्लियस एक तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है इस वजह से हमारे पास ज्यादा डिफ्यूज है, और लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है, और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है वो क्या है, मिनिमम है। आखिरी पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड्स कंसीडर्ड एज सिंगल बॉन्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री, ठीक है, कि हमारे पास जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनको हम सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करते हैं उनकी ज्योमेट्री को डिटरमाइन करते हुए। सवाल जहन में आएगा सर लेकिन मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कार्बन कार्बन का बॉन्ड है तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो सर यहाँ पे तो एक दो तीन चार, दो इलेक्ट्रॉन के पेयर हो गए, चार इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड भी हैं तो आप इसको कंसिडर्ड एज अ सिंगल बॉन्ड ही करेंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड का होना हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहने के सॉरी जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। हाँ ये बात सच है, ये गलत नहीं कह देना,
ये बात सच है कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा डिफ्यूज होता है, ज़्यादा फैला होता है। लेकिन देखा ये गया है कि ये हमारे पास ज्योमेट्री को इफेक्ट नहीं करता। तो बेसिकली दीज आर द पास्टुलेट्स। पहला क्या था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों डिसाइड करते हैं, एक सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अरेंज होते हैं, लोन पेयर ज़्यादा डिफ्यूज होता है, और मल्टीपल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास थे पास्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। अच्छे से याद करने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे हम समझेंगे कि वेस्पर थ्योरी कैसे अप्लाई होती है, उनको हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वेस्पर थ्योरी यही कहती थी ना कि हमारे पास एक सेंट्रल एटम है और उसके इर्द गिर्द जो दूसरे एटम्स अरेंज होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज होते हैं, वो इस तरह से अरेंज होंगे कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो और रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। अगर मैं कह देता हूँ कि ए हमारे पास क्या है, कोई भी सेंट्रल एटम है, मैं ए लिखूंगा शो करने के लिए सेंट्रल एटम को, और बी लिखूंगा शो करने के लिए जो हमारे पास उसके साइड पे नेबरिंग एटम प्रेजेंट होंगे, मतलब जो उसके साथ जुड़े होंगे एटम, उसको शो करने के लिए मैं बी की टर्म यूज करूंगा। तो अगर हम इसको कंसिडर कर लें तो हमारे पास उसकी बेस पे उन्होंने तीन टाइप्स हमें बताई हैं। कौन कौन सी? पहली हमारे पास जो टाइप है दैट इज AB4 टाइप। ठीक है, मतलब एक हमारे पास सेंट्रल एटम है और उसके इर्द गिर्द चार हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज हैं। दूसरी जो टाइप है दैट इज AB3। ठीक है, मतलब तीन बॉन्ड पेयर अरेंज हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। और हमारे पास अगली जो टाइप है दैट इज AB2, मतलब दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज हैं अराउंड द सेंट्रल एटम ए। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी AB2। AB2 टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, मेरा एक तरीका है इसको लिखने का, हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। आप बोर्ड के अंदर भी अगर उसी पैटर्न से लिखते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, वो कंसाइज है, सिंपल है और समझने के लिए भी आसान है। तो मेथड क्या है, मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये है कि मैं लिखता हूँ टाइप। टाइप हमारे पास जो पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास कौन सी है, AB2। ठीक है, अब AB2 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास बॉन्ड पेयर्स की जो तादाद होती है दैट विल बी 2। ठीक है, और लोन पेयर जो हमारे पास होते हैं वो इसके अंदर कोई भी नहीं होता, वो क्या होते हैं, 0। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लोन पेयर इस कंडीशन में आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, वो आगे जाके हमें समझ में आ जाएगा। तो जब टाइप AB2 है तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। इस बी को देख के समझ में आ जाता है कि बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं, 2, और लोन पेयर हमारे पास कोई भी नहीं है, वो क्या है, 0। ओके, जब ये कंडीशन है तो फिर हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल क्या बनेगा, एंगल जो हमारे पास इस टाइम बनता है वो बनता है 180 का। कैसे, अब इसको हम शेप से समझेंगे। तो अगला हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज शेप। अगर ये कोई सेंट्रल एटम है ए, तो दो बी ने, मतलब दो एटम्स हमारे पास और आ रहे हैं बी, उन्होंने इसके इर्द गिर्द अरेंज होना है। तो वो कैसे अरेंज होंगे कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम रहे, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो इस तरह से लीनियर फॉर्म में अरेंज हो जाए। मतलब अगर ये सेंटर में ए है तो एक बी इधर और दूसरा बी इस तरफ अरेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो इधर होता है अरेंज और दूसरा इधर होता है तो फिर भी इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं है। डिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ पे है, इस कंडीशन में कि जब ए और बी एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो, तो फिर हमारे पास ये कंडीशन सेम बनती है। अब इस जगह पे अगर हम एंगल देखें तो हमारे पास क्या बनता है, 180। तो इस वजह से मैंने लिखा कि बॉन्ड एंगल क्या है, 180। अब देखें सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। AB2 टाइप है, मतलब एक ए है और टू बी है। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, टू बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है नहीं, कोई भी नहीं है, और बॉन्ड एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, 180। और ये शेप कौन सी है हमारे पास, ठीक है, ये शेप मैंने बना ली, मतलब हमारे पास जो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास क्या होगी, मैं लिख सकता हूँ दैट विल बी लीनियर, कि वो लीनियर मॉलिक्यूल है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, अब इसकी कोई एग्जांपल अगर देख लें, नीचे भी लिख सकते हैं, मैं इधर इधर लिख रहा हूँ समझने के लिए आपके। एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं BeCl2। अब ये भी AB2 टाइप है, अगर मैं इसका शेप बनाऊँ, ज्योमेट्री लिखूँ, तो वो कैसी होगी कि ये हमारे पास बेरिलियम होगा, सेंट्रल एटम जो पहले होता है वो हमारे पास ए को शो कर रहा है, जो बाद में होता है वो बी को शो कर रहा है।
ठीक है, और इधर हमारे पास एक सी एल आ गया, तो ये हमारे पास मालिक्यूल बन गया बी ई सी एल टू का। अब इसका अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो 180, लोन पेयर कोई भी नहीं है, बॉन्ड पेयर दो हैं, टाइप कौन सी है ए बी टू। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है एम जी सी एल टू, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम हमारे पास सेंटर में होगा, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, तो एंगल क्या होगा इनके दरमियान 180। तो ये भी हमारे पास किसकी टाइप है, दैट इज आल्सो द टाइप ऑफ ए बी टू। ठीक है, अब अगर मैं इसी को चेंज करके ए बी थ्री को डिस्कस करना चाहूँ तो भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं ये सारा डाटा अरेंज कर दूँ, आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको सारा डाटा को अरेंज कर देता हूँ, पॉइंट्स वही रहेंगे, बस सिर्फ हम क्या करेंगे अपना डाटा चेंज करेंगे और हमारे पास सारा कुछ हमारा सॉल्व हो जाएगा। चले, इसी को हम बना देते हैं हम ए बी थ्री टाइप। मतलब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि हमारे पास बॉन्ड पेयर तीन हो गए हैं। ठीक है, तो वैसे लिखेंगे कि ए बी थ्री टाइप है और बॉन्ड पेयर हमारे पास कौन से हो गए हैं, बॉन्ड पेयर हमारे पास हो गए हैं थ्री, तो बॉन्ड पेयर आगे थ्री, और लोन पेयर अभी भी कोई भी नहीं है, मैंने लिख दिया जीरो। अब बॉन्ड एंगल क्या होगा? ठीक है, बॉन्ड एंगल से पहले जरा शेप समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेंट्रल एटम हो ए, तो तीन बी के एटम्स ने एक दूसरे के इर्द गिर्द अरेंज, इस मतलब ए के इर्द गिर्द अरेंज होना है, तो कैसे होंगे? एक बी इधर आ जाएगा, एक बी इधर आ जाएगा और एक बी इधर आ जाएगा, तो उनके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है जहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ सकते हैं कि ये एक दूसरे से तकरीबन 120 के एंगल पे रहें, 120 का एंगल बनाएं, फिर ये दूर रहेंगे। टोटल कितना होता है सर्कल? 360। थ्री पे डिवाइड कर दें 120, ठीक है, टू पे डिवाइड किया 180, तो इस तरह से ये डिवीजन होती जाती है एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की, ये कंडीशन है इनके पास। मतलब बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या होगा? 120, क्योंकि इसी बॉन्ड एंगल पे हमारे पास जो बेसिक अजम्पशन है वेस्पर की वो पूरी होती है कि मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। तो जब हमारे पास ये शेप आ गई, तो इस शेप को अगर हम लिखें तो ये कैसी बन रही है? एक ट्राई एंगल नहीं बन रही, तो जो ज्योमेट्री हमारे पास बन गई है वो फिर क्या होगी? ट्राई एंगुलर, ट्राई एंगुलर, ठीक है, ट्राई एंगुलर प्लेनर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ही प्लेन के अंदर है, थ्री डायमेंशनल नहीं, मतलब ये हमारे पास एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये तो हमारे पास होगी इसकी ज्योमेट्री वगैरह, ये सारी बातें डिस्कस कर दी, अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी इसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। अब इसकी एग्जांपल को अगर आपको याद है तो बताएं, इसको डिस्कस कर लेते हैं इसकी एग्जांपल को। इसकी एग्जांपल में हमारे पास जो मॉलिक्यूल आ जाते हैं उनमें हमारे पास है बी एफ थ्री, बोरोन ट्राई फ्लोराइड। अब बोरोन इज सेंट्रल एटम और तीन फ्लोराइड आयंस उसके अंदर, या फ्लोरीन एटम जो हैं वो उसके इर्द गिर्द अरेंज हुए हैं। कैसे अरेंज होंगे? बिल्कुल इसी को फॉलो करना है कि बी सेंटर में है, एक फ्लोरीन इस साइड पे, एक फ्लोरीन इस साइड पे और तीसरा इस साइड पे। ठीक है, एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल बन रहा है हमारे पास तो वंस अगेन 120 का, और अगर हम इसकी ज्योमेट्री या फिर शेप देखें तो हमारे पास कौन सी बन रही है? ट्राइंगुलर प्लेनर। ठीक है, अब इसकी और भी एग्जांपल हो सकती हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बेसिक हमारे पास की ए बी थ्री टाइप है। अब एक और चीज़ अगर डिस्कस करें कि सर हम लोन पेयर क्यों नहीं लेके आ रहे, लेकिन जब दो हमारे पास, लेकिन एक चीज़ अगर अटैच है, फॉर एग्जांपल ये एच सी एल है, अगर मैं कहता हूँ दिस इज ए बी वन टाइप, तो ए इसको कह लें या इसको कह लें कि बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसकी कोई ज्योमेट्री डिसाइड ही नहीं हो सकती, ये तो सिंपल है। ठीक है, तो ए बी टू में जब आते हैं फिर हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये मैं एटम बदल देता हूँ, मैग्नीशियम आ जाता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाता है, अब कुछ ना कुछ डिसाइड हो सकता है। ठीक है, लोन पेयर यहाँ पे भी आ सकता है, लोन पेयर का मतलब है वो तो फिर ये कंडीशन आ जाएगी, अगर मैं कह देता हूँ ये मैग्नीशियम के ऊपर लोन पेयर है, फॉर एग्जाम्पल होता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये तो फिर वही कंडीशन होगी जो एच सी एल में थी, तो मतलब यहाँ पे लोन पेयर का कॉन्सेप्ट लेके नहीं आया जा सकता। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं ए बी थ्री टाइप की, तो वहाँ पे लोन पेयर का कॉन्सेप्ट लेके आया जा सकता है। मतलब अगर मैं ये कहूँ, इसी को चेंज करते हैं, कि बॉन्ड पेयर दो कर देते हैं और एक हमारे पास जो बॉन्ड है उसकी जगह हम एक लोन पेयर ले आते हैं, फिर कंडीशंस क्या होंगी? फिर क्या ट्राइंगुलर ही रहेगा, शेप यही रहेगी? इसको हमें देखना है और इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्ज करें, इसको ज़रा रेज कर लें, फर्ज करें अगर हमारे पास यहाँ पे
इस बी की जगह, इस जगह पे कोई लोन पेयर आ जाए जो कि ज्यादा डिफ्यूज है, ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा रिपल्शन करता है। पहले तो ये बॉन्ड पेयर थे आपस में, जितनी उन्होंने रिपल्शन करनी थी कर ली और अरेंज हो गए। अब क्या आ गया, एक बड़ा ही ताकतवर ऊपर लोन पेयर आ गया। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, जैसे ही आएगा, यहाँ पे भी एंगल क्या था 120, अब ये लोन पेयर जैसे ही आएगा ये रिपल्शन करेगा, ये इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा और इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा। जब ये रिपल्शन करेगा तो क्या एंगल 120 ही रहेगा? नहीं, ये एंगल हमारे पास कम हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास जो बी है ये थोड़ा सा एक दूसरे के करीब आ जाएगा और ये एंगल इनका क्या हो जाएगा, लेस देन 120। तो ये एंगल हमारे पास 120 से कम हो जाएगा। तो मतलब मैं एंगल यहाँ बॉन्ड एंगल क्या लिखूंगा कि इट विल बी लेस देन 120, कि ये 120 से कम होगा। 120 से कम होगा कितना होगा उसको बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसकी शेप क्या होगी हमारे पास, इसकी शेप अब हमारे पास ये आपके सामने ड्रा की हुई है मैंने, ज्योमेट्री क्या होगी, अब इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे। अब ये देखें, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको नजरअंदाज कर दें तो ये ऐसा ही नहीं बन रहा, ऐसी एक शेप बन रही है, मतलब एक लीनियर शेप थी उसको बेंड आ गया। तो इसकी हम फिर ज्योमेट्री को लिख देते हैं, दिस विल बी अ बेंड ज्योमेट्री, कि हमारे पास ज्योमेट्री क्या हो चुकी है, बेंट हो चुकी है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है SnCl2 और यहाँ पे जो टिन है, Sn कहते हैं टिन को, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, ठीक है। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री को ड्रा करूँ तो ये ऐसे हो और ये लोन पेयर, अब ये लोन पेयर इधर रिपेल करके, इधर रिपेल करके इस एंगल को लेस देन 120 कर चुका है, ठीक है। अगर एंगल वाला लेस देन 120 हो गया तो उसका मतलब है लोन पेयर की वजह से ही होगा। तो ये इसकी एग्जांपल है। तमाम ऐसे एलिमेंट्स, तमाम ऐसे मॉलिक्यूल सॉरी, जिनके अंदर हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है और फर्दर टू बॉन्ड पेयर हैं, तो उनकी ज्योमेट्री हमेशा हमारे पास बेंट होगी या फिर एंगुलर। अगली जो टाइप है, अगली टाइप हमारे पास है AB4 टाइप, मतलब अब हमारे पास चार बॉन्ड पेयर हैं। तो पहली कंडीशन सिर्फ बॉन्ड पेयर के साथ देख लेते हैं, बाकी फर्दर बाद में। मैं अगर फर्ज करता हूँ कि चार ही बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर कोई नहीं है, फिर हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होगा, शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले शेप को बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक ए मालिक्यूल है मेरे पास, सॉरी एक सेंट्रल एटम है ए, उसके इर्द गिर्द बी ने अरेंज होना है, तो उनके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक तो ये हो जाएगा और एक हमारे पास इस तरह से। अब ये जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये बिल्कुल ऐसे बाहर निकला हुआ है ऐसे, ठीक है। तो आप ये इस तरह से अगर अरेंज होते हैं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा, रिपल्शन मिनिमम होगी। अब इस पोजीशन पे जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है वो हमारे पास होता है 109.5, ओके। अब मतलब बॉन्ड एंगल हमारे पास हो गया 109.5 और ये जो शेप है इस शेप को फिर हम बोल देते हैं दैट इज टेट्राहेड्रल शेप, या फिर इसको ज्योमेट्री भी कह देते हैं, ठीक है। शेप में ड्रा कर दी है, इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास ए के इर्द गिर्द बी इस तरह से अरेंज हुए हैं कि इनके दरमियान जो रिपल्शन जो है वो मिनिमम है, ठीक है। और ये जो शेप बन रही है, ये शेप, इस शेप को हम बोल देते हैं दैट इज टेट्राहेड्रल शेप। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाता है सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है आपके पास, बहुत दफ़ा आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज CH4। ए हमारे पास यहाँ पे कार्बन को शो कर रहा है और B4 मतलब चार हाइड्रोजन। अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन के इर्द गिर्द हाइड्रोजन इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान जो हमारे पास रिपल्शन है वो मिनिमम होती है, और वो तब पॉसिबल है जब उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। तो वो इस शेप में हमारे पास हमेशा आते हैं और इस शेप को हम बोलते हैं दैट इज टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। अब इस शेप के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो एंगल होता है वो हमारे पास हमेशा क्या होता है 109.5, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई है AB4 टाइप। AB4 टाइप से क्या मुराद है कि एक हमारे पास सेंट्रल एटम है ए, उसके इर्द गिर्द चार हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं, चार एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, चार, और अभी तक हमने कोई लोन पेयर को डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपके पास बेलून्स अगर अवेलेबल हैं तो आप उनको समझ लें, चार बेलून लें और उनको आप एक गिरा से बांध दें, एक दूसरे के साथ अटैच कर दें, ठीक करते हैं,
ठीक है, और फिर उसकी शेप देखें, आपके पास यही शेप बनेंगे, दैट विल बी टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, उससे आपको समझ में आ सकता है क्योंकि बैलून का वॉल्यूम होता है, वो एक दूसरे को रिपल्शन को शो कर सकते हैं, आप उस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वैसे समझा है तो ज़रूर बताइएगा मुझे। तो सी एच फोर हमारे पास है इसकी एग्जाम्पल, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती हैं, बी एच फोर, ठीक है, बी एफ फोर बोर, हाँ बी एफ फोर माइनस में लिखें, ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास हो सकती हैं। अब हम दूसरी कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर चार ही हों लेकिन तीन बॉन्ड पेयर हों और एक लोन पेयर हो जाए, तो आपको क्या लगता है, सारी कंडीशन सेम रहेगी, बॉन्ड एंगल 109.5 ही रहेगा, शेप टेट्राहेड्रल ही रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था AB3 में, एक लोन पेयर आ जाता है तो वो रिपल्शन करता है, जिसकी वजह से बाकी जो एंगल हैं वो सेम नहीं रहते। तो इसको ज़रा जल्दी से हम समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है हमारे पास कि अब हमारे पास तीन बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। कैसे? कि अगर ये ए है और इसके ऊपर एक लोन पेयर है और बाकी क्या है, तीन बॉन्ड पेयर है ये। अब तीन बॉन्ड पेयर अगर हैं तो ये लोन पेयर इन दोनों बॉन्ड पेयर्स को, बल्कि तीनों को क्या करता है, रिपेल करता है। जब ये रिपल्शन करेगा तो पहले एंगल था 109, अब वो एंगल 109 नहीं रहेगा, बल्कि एक दूसरे के करीब आएंगे तो एंगल हो जाएगा लेस देन 109.5। तो हमारे पास ये एंगल हो जाएगा लेस देन 109.5, और वो कितना होगा, ये होगा 107.5। ठीक है, अब ये जो हमारे पास शेप बनी है तो ये तो एक पैरामीटर शेप बन गई है। ठीक है, ये तो एक ट्राइगोनल पैरामीटर शेप बन गया, एक पैरामीटर सा बन गया। ठीक है, लेकिन अब बॉन्ड एंगल जो हमारे पास है वो कितना है, वो है लेस देन 109.5, या फिर आप लिख सकते हैं 107.5, कि ये 109 से कम होकर 105 रह जाता है। वजह ये है कि ये जो लोन पेयर आ जाता है ये रिपल्शन करता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे इससे दूर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर एक दूसरे के ये करीब आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है वो सबसे कम है। और हमेशा याद रखिएगा, सिस्टम उस तरफ जाता है जहाँ पे रिपल्शन कम हो। तो जब हमारे पास ये एंगल 107 हो जाएगा तो हमारे पास जो इसकी ज्योमेट्री होगी दैट विल बी पायरामिडल, कि ये हमारे पास पायरामिडल शेप के अंदर एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ट्राइगोनल पायरामिड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल सी है और इसमें एक पायरामिडल शेप भी आ रही है। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है, आपको पता है इसकी एग्जांपल में नाइट्रोजन के साथ अटैच तीन हाइड्रोजन और उसके ऊपर एक लोन पेयर। अब अमोनिया का स्ट्रक्चर होना तो चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन वो लोन पेयर होने की वजह से टेट्राहेड्रल नहीं है, बल्कि पायरामिडल शेप है, ट्राइगोनल पायरामिडल शेप है। ठीक है, अब क्योंकि ये लोन पेयर ने इधर भी रिपल्शन की, इधर भी रिपल्शन की, तो जो एंगल नॉर्मल था 109.5, अब वो 109.5 नहीं रहा, बल्कि वो लेस कितना हो गया है, 107.5। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल होगी AB4 टाइप की विद वन लोन पेयर एंड थ्री बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, अब इसी को अगर मैं चेंज कर दूँ कि लोन पेयर एक है, हम लोन पेयर दो कर देते हैं, तो फिर बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, दो, क्योंकि इस हमने फोर तो पूरा करना है ना, तो दो बॉन्ड पेयर अटैच हैं और दो लोन पेयर अटैच हैं, फिर क्या एंगल होगा लेस देन 109.5? अगर लेस होगा तो कितना होगा, और ज्योमेट्री जो होगी वो उस टाइम में हमारे पास क्या होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पे एक और लोन पेयर ले आता हूँ, ठीक है, एक और लोन पेयर आ गया, अब क्या होगा, ये लोन पेयर इस लोन पेयर को रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इनके दरमियान अच्छी खासी रिपल्शन होगी। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये इधर भी रिपेल करेगा, ये इधर भी रिपेल करेगा, तो इनकी जो रिपल्शन होगी उससे हमारे पास ये जो दो बॉन्ड पेयर हैं ये बड़े बेचारे करीब आ जाएंगे, तो इनका जो एंगल है वो 120 से तो कम होना लाजमी है, वो 109 से क्या 107 से भी कम हो जाएगा, और कम होके बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे, इसको ज़रा हम क्लीन करके डायग्राम से समझते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमारे पास कोई भी सेंट्रल मालिक्यूल है, एटम है सॉरी, ए, और उसके साथ दो बॉन्ड पेयर अटैच हैं बी, लेकिन जो लोन पेयर हैं, मैं आपके आसानी के लिए दोनों इधर बना रहा हूँ, वो जो दो लोन पेयर हैं हमारे पास, अब वो अपना काम दिखाना शुरू कर चुके हैं, मतलब ये इधर भी
दबाव डालते हैं किसके ऊपर, बॉन्ड पेयर्स के ऊपर और इधर भी, मतलब पहले एक लोन पेयर दबाव डाल रहा था, प्रेशर ऐड कर रहा था, रिपल्शन शो कर रहा था, अब दोनों तरफ से लोन पेयर्स आ गए, इनकी आपस में तो जो बनती ही नहीं है वो तो नहीं बनती, ये बेचारे इन बॉन्ड पेयर्स के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो एंगल पहले हमारे पास 120 होना चाहिए था, वो 120 तो होता नहीं है, 109 भी नहीं होता, बल्कि उससे भी कम होके तकरीबन 104.5 रह जाता है, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर अब दो आ गए हैं, तो इन्होंने ज्यादा रिपल्शन ऐड की किसके ऊपर, बॉन्ड पेयर्स के ऊपर, उनको ज्यादा रिपेल किया, वो एक दूसरे के करीब हो गए, ठीक है। अब मतलब हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन 109, ठीक है, ये भी ठीक है बात, लेकिन कितना रह जाएगा लेस होके, 104.5 शेप आपके सामने, ठीक है। अब लोन पेयर्स को तो हम शेप में कंसिडर ही नहीं करते, अब अगर शेप देखें तो दोबारा ऐसी बन गया, ये तो वही शेप नहीं है जो AB2 की थी, मतलब कौन सी, बेंट कह लें या फिर आप कह लें इसे एंगुलर, तो बेंट या एंगुलर शेप ये हमारे पास बन गई है वंस अगेन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है H2O वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन है और ये दो हाइड्रोजन अटैच हैं, और इधर भी लोन पेयर है और इधर भी लोन पेयर है, और इन लोन पेयर्स की वजह से ही वाटर को हम ऐसे लिखते हैं, वाटर को कभी आपने ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में लिखा नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे ज्योमेट्री पूरी नहीं होती, वजह क्योंकि ये लोन पेयर अगर मैं ऐसे लिख दूं फिर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने तो रिपल्शन ऐड करनी है, ठीक है, तो ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जब भी हम वाटर को फिर लिखते हैं, आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी लिखा, तो आपने ऐसे ही लिखा, एक लोन पेयर इधर और दूसरा लोन पेयर इधर, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो बेंट या एंगुलर इसी वजह से है, क्योंकि वो AB2-4 की ऐसी टाइप से बिलोंग करता है जिसमें दो बॉन्ड पेयर हैं और दो लोन पेयर हैं, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो आपके लिए समझना भी आसान होगा और आपके लिए याद करना भी आसान होगा। टाइप बतानी है, बॉन्ड पेयर बताने हैं, लोन पेयर बताने हैं, बॉन्ड एंगल शेप और ज्योमेट्री आपको याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल सी यू, अल्लाह हाफिज़।